Good morning, class. This is our new pathology class in which today we are going to start the next chapter of our systemic pathology, that is renal pathology. And today we will study about the glomerulonephritis, which is the first disease of this chapter, that is glomerulonephritis. तो देखिए ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और ब्राइट्स डिजीज इज द टर्म यूज दैट प्राइमरली इन्वॉल्व द रीनल ग्लोमेरुलाई. इट इज अ बाइलेटरल इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई टिपिकली फॉलोइंग स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन. क्या कहा मैंने कि हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को ब्राइट्स डिजीज भी कहते हैं. प्राइमरली जैसा नाम से पता चल रहा है ये रीनल ग्लोमेरुलाई इसके अंदर इन्वॉल्व रहता है. ग्लोमेरुलाई में दोनों तरफ बाइलेटरल इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा होता है स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन की वजह से. तो ये देखिए ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नॉर्मल किडनी कैसे दिखाई दे रही है आपको और पास में ये इन्फ्लेम्ड ग्लोमेरुलाई आपको इस किडनी के अंदर दिखाई दे रहा है. छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में भी इन्फ्लामेशन हो गया है. तो ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है. यहाँ पर आपको बताया गया है अंदर की सेल्स वगैरह के बारे में बताया गया है कि कैसे यहाँ पर ल्यूकोसाइट्स वगैरह मेसेंजियल सेल्स वगैरह आ गई हैं, उनका नंबर बढ़ गया है. फूड प्रोसेस जो है यहाँ पे फ्यूज़ हो गए हैं, जबकि पास वाले में देखो फूड प्रोसेस एकदम क्लियर क्लियर दिखाई दे रहे हैं, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. आरबीसी आ चुकी है बाहर, देखिए आरबीसी, जबकि इस वाले में अंदर है. तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है. अब ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक्चुअली क्या है भाई, देखिए तो यहाँ पर इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखे हुए हैं कि इसमें एक तो क्या होने लग जाता है, सर में दर्द हो रहा है पर्सन को, बीपी उसका बढ़ चुका है, चेहरे के ऊपर आँखों के नीचे एडिमा दिखाई दे रहा है, पेरी ऑर्बिटल एडिमा दिखाई दे रहा है, थका हुआ दिखाई दे रहा है ये पर्सन, हल्का हल्का बुखार चढ़ गया है और एडिमा की वजह से उसके अंदर वेट गेन होने लग गया है. और मेन जो सिम्टम्स है दैट इज़ पहला फर्स्ट सिम्टम इज़ प्रोटीन यूरिया हो रहा है उसको. दूसरा हिमेट यूरिया कैसा दिखाई देगा, स्मोकी या कॉफ़ी कलर का यूरिन दिखाई देगा जिसको आप हिमेट यूरिया कह रहे हैं. और तीसरा ऑलिगो यूरिया हो रहा है, डिक्रीज यूरिनेशन ड्यू टू डिक्रीज जीएफआर, इसमें जीएफआर कम हो जाती है इसलिए जो है डिक्रीज यूरिनेशन हो रहा है. और डिस यूरिया यानी पेनफुल यूरिनेशन हो रहा है. इसके अलावा डिस्निया और ऑर्थोपनिया भी देखने को मिल रहा होता है पल्मोनरी एडिमा की वजह से, क्योंकि सेकेंडरी हाइपरवोलेमिया वहाँ पर क्रिएट हो जाता है इसलिए ऐसी कंडीशन दिखाई दे रही होती है. और ये जो बीपी हाई हो रहा है ये क्या है, माइल्ड से सीवियर हाइपरटेंशन इसके अंदर हो सकता है. अब ये जो ग्रीन बॉक्सेस के अंदर चीज़ें बनी हुई है एक्चुअली ये चीज़ें क्या बता रही है कि ये डिजीज़ जो है इसके अंदर, हालांकि आगे आ जाएगा पर फिर भी मैं आपको बता दूँ इस डिज़ीज़ की हम एटियोपैथोजेनेसिस जब पढ़ते हैं तो हमने बोला, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन की वजह से ऐसा होता है. तो स्ट्रेप्टोकोकस क्या है कि एंटीजन है, ये एंटीजन जब आएगा, यहाँ देखो ऊपर वाले बॉक्स के अंदर देखिए, ये जो पर्सन बना हुआ है उसके ऊपर बॉक्स के अंदर आप देखिए कि बताया हुआ है कि स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन जब होता है तो स्ट्रेप्टोकोकस क्या एक एंटीजन है. तो जब एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर होएगा तो एंटीबॉडी बनेगी तो एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट करेंगे और कॉम्प्लेक्स बनेगा. ये कॉम्प्लेक्स जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन की वजह से बनेगा और ये कॉम्प्लेक्स जो है आपकी पूरी बॉडी के अंदर घूमना, ब्लड के साथ में सर्क्यूलेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बन गए, ब्लड में ही तो बना है भाई. एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती है, ब्लड के अंदर. तो ब्लड के अंदर ये कॉम्प्लेक्स बना, ये कॉम्प्लेक्स पूरे बॉडी के अंदर सर्क्यूलेट होता है. सर्क्यूलेट होता होता ये अलग अलग एरियाज़ में जाएगा, पर जब ये ग्लोमेरुलाई में आएगा तो वहाँ पे थिन कैपिलरीज का नेटवर्क पाया जाता है, वहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स आकर के फंस जाएगा
एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इन ग्लोमेरुलाई जो आपको नीचे वाले बॉक्स में दिखाई दे रहा है, तो ये जब फंस जाएगा तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज करेगा और उसकी वजह से जीएफआर जो है वो कम हो जाएगी। ये पॉइंट ये बता रहा है कि कॉम्प्लेक्स जो है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स वो ग्लोमेरुलाई में फंस जाएगा जिससे कि वहाँ पर इन्फ्लामेशन होगा और जीएफआर कम हो जाएगी। अब ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस दो तरह की होती हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट तो अचानक शुरू हो जाते हैं, जबकि क्रॉनिक क्या है कि कई सालों के बाद एक्यूट में धीरे धीरे डेवलप होती होती है, वो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो रही होती है। अब यहाँ पर डेफिनेशन आई भी है भाई, एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई। ये ग्लोमेरुलाई का इन्फ्लामेशन है जो कि दोनों किडनीज में हो रहा है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से, और ये रिएक्शन स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से हो रही है जो कि हमारे ग्लोमेरुलाई में आगे जाकर के डैमेज कॉज कर देगा। और जो किडनी का फिल्ट्रेटिंग बेड है, फिल्ट्रेटिंग बेड क्या है भाई? ग्लोमेरुलाई ही है फिल्ट्रेटिंग बेड, उसके अंदर ये सारा डैमेज हो रहा है तो ऑब्वियस है वहाँ पर जीएफआर जो है वो कम हो जाएगी। ऑर्गेनिक सॉल्ट, वाटर, नाइट्रोजनस वेस्ट, ये सारे सब्सटेंसेस बॉडी में इकट्ठे होने लग जाएंगे क्योंकि जीएफआर कम होती है, ऑलिको यूरिया होगा, यूरिन साथ पास ही नहीं होंगी, ये सब चीज़ें पास नहीं होंगी तो हमारे शरीर में इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी। अब क्यों हो जाता है ये? इनिशियली यूटीआई या स्किन इन्फेक्शन या थ्रॉट के इन्फेक्शन की वजह से, एक्चुअली फेरिंग्स के इन्फेक्शन की वजह से ऐसा देखने को मिल रहा होता है। यूजुअली 1 से 3 हफ्ते लग जाते हैं इसके सिम्टम दिखाई देने में। मोस्ट फ्रीक्वेंटली ये ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल का जो फेरेंजियल इन्फेक्शन होता है उसका डिलेड सीक्वेंस के रूप में ये देखने को मिल रहा होता है। इस चीज़ को नोट करिए, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल के फेरेंजियल इन्फेक्शन के डिलेड सीक्वेंस के रूप में, सीक्वल के रूप में ये दिखाई दे रहा होता है। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी, स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन थ्रॉट में हुआ या हो सकता है बॉडी में किसी और जगह पे हुआ, मेनली थ्रॉट की वजह से, फेरिंग्स मैं बोल ही रही हूँ आपको, या किसी और की वजह से हुआ तो वो इन्फेक्शन जो है आपके एक्यूट आपके इम्यून सिस्टम पर अटैक करेगा जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगा उस स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन के अगेंस्ट में, फिर ये एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट करेंगे और उनका कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये कॉम्प्लेक्स जो है आपके ग्लोमेरुलाई की बेसमेंट मेम्ब्रेन में जाकर के फंस जाएगा और वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट से कंबाइन हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट जैसे ल्यूकोसोमल एंजाइम वगैरह होते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट आप लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर पढ़े हैं, वहाँ पर आपका ये पूरा एक चैप्टर हुआ करता था इम्यूनोलॉजी नाम से। फिर जब ये कॉम्प्लीमेंट वहाँ पर आकर के कंबाइन हो गया तो ये उस जगह की सेल्स को डिस्ट्रक्ट करने लग जाएगा। किस जगह की सेल को? ग्लोमेरुलाई में फंसा है ना, ये ग्लोमेरुला के बेसमेंट मेम्ब्रेन पे जाके चिपका है तो वहाँ पर ये डैमेज कॉज करने लग जाता है, डिस्ट्रक्शन कॉज करने लग जाता है, तो सेल का डिस्ट्रक्शन होता है। इन्फ्लामेटरी चेंजेस दिखाई दे रहे होते हैं ग्लोमेरुलास के अंदर, जीएफआर कम हो जाती है जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन डैमेज हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, सूजन आ गई तो जीएफआर कम होएगा और ग्लोमेरुलर वॉल की परमियाबिलिटी बढ़ जाएगी। तो परमियाबिलिटी बढ़ जाने की वजह से प्रोटीन आरबीसी वगैरह वहाँ से पास होने स्टार्ट हो जाएंगे और रीनल के अंदर प्रॉब्लम आ रही होती है, अगर यूरिन पास वगैरह नहीं हो रहा हो तो बॉडी में वाटर इकट्ठा होता है जिससे एडिमा कॉज हो जाएगा, क्योंकि परमियबिलिटी ग्लोमेरुलर वॉल की बढ़ गई जिससे कि प्रोटीन निकलेगा तो प्रोटीन यूरिया हो जाएगा, आरबीसी निकलेगी तो हिमेट्यूरिया हो जाएगा, तो माइक्रोस्कोपिक हिमेट्यूरिया, प्रोटीन यूरिया, एडिमा, ये सब कुछ हो गया तो और साथ में सोडियम का रिटेंशन होने लग जाएगा, सोडियम रिटेंशन हो रहा है तो हाइपरटेंशन हो जाएगा। बस ये पैथोफिजियोलॉजी है। तो क्या बोला हमने पैथोफिजियोलॉजी में कि ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हुआ जिससे कि एंटीजन ने इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करा, एंटीबॉडी बनी, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना, वो कॉम्प्लेक्स जाकर के ग्लोमेरुलाई की कैपिलरी में जाके लॉज हो गया, वहाँ पे इम्यूनोलॉजिकल सबस्टांसेस रिलीज होने लग जाएंगे जो कि सेल को लाइज करेंगे, सेल लाइज होने से वहाँ की परमियाबिलिटी, मेम्ब्रेन की परमियाबिलिटी बढ़ जाएगी, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स आ जाएंगे, ग्लोमेरुलर की सेल वॉल डैमेज हो जाएगी, प्रोटीन और आरबीसी को यूरिन में जाने का पैसेज मिल जाएगा, प्रोटीन यूरिया हिमेट्यूरिया कॉज हो जाएगा, रीनल ब्लड फ्लो डिमिनिश्ड हो जाएगा, जीएफआर कम हो जाएगी जिससे सोडियम का रिटेंशन होगा, हाइपरटेंशन होगा, एल्ब्यूमिन यूरिया और एडिमा कॉज हो जाएगा। दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नाउ द पैथोजेनेसिस,
पैथोजेनेसिस में वही स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हुआ, इम्यून कॉम्प्लेक्स बना, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना जिससे कि कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट हुआ, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होते ही ल्यूकोसाइट्स वहाँ पे आकर के इकट्ठे हो गए, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स वहाँ पे रिलीज हुए, साइटोकाइंस वगैरह, प्रोलिफेरेटिव एफ वगैरह, जिससे कि ग्लोमेरुलाई की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसमें डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड के इंग्रेडिएंट डैमेज होने से परमियाबिलिटी बढ़ जाएगी उस जगह की और ब्लड सेल्स वगैरह वहाँ पर निकलने लग जाएंगे, और हीमेट्यूरिया, प्रोटीन्यूरिया, आरबीसी, कास्ट वगैरह यूरिन में दिखाई देने लग जाएंगे। प्लस यहाँ पे कुछ सेल्स का, एपिथेलियल सेल्स वगैरह का, मेसेनकाइमल सेल्स वगैरह प्रोलिफरेशन हो रहा है, रीनल कैपिलरी ब्लॉक हो रही है, जीएफआर कम हो रहा है जिससे कि ऑलिगो यूरिया हो जाएगा, सोडियम वाटर का रिटेंशन होएगा, ये चीज़ें बाहर नहीं निकलेगी, वाटर और मिनरल्स बाहर नहीं निकलेंगे यानी बॉडी में इकट्ठे हो रहे हैं, बॉडी में इकट्ठे होने से बॉडी में फ्लूड का अमाउंट बढ़ जाएगा, दैट इज़ हाइपरवोलेमिया हो जाएगा, हाइपरवोलेमिया से एडिमा, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, एंसेफेलोपैथी और रीनल फेलियर जैसे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। दिस इज़ द पैथोजेनेसिस ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये बहुत अच्छी पैथोजेनेसिस दी हुई है इन्होंने, इसको मोड़ते हुए बताया आपको, सीधी सीधी फ्लो चार्ट में ऊपर से लेकर नीचे तक इसको ढंग से बनानी है अपने एग्जामिनेशन कॉपी के अंदर, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है इसको अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत अच्छा चार्ट है ये। नाउ सी एम, ऐसे केस में पर्सन को बुखार चढ़ती है, कंपकंपी छूटती है, कमजोरी आ जाती है, बॉडी में जनरलाइज एडिमा हो जाता है, एडिमा होते ही वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा, सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, पेट खराब होते ही नोजिया वॉमिटिंग रहने लगेंगे, भूख नहीं लगेगी, एब्डोमेन के आसपास पानी इकट्ठा हो जाएगा और पेट में फिर दर्द होएगा। अब ना केवल जीआई डिस्टर्बेंस बल्कि कार्डियक भी डिस्टर्ब होएगा, क्योंकि जैसे रीनल खराब होती है उसका असर हार्ट पे पड़ता है, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पड़ता है, तो पल्मोनरी एडिमा कॉज हो जाएगा, कंजेसिव कार्डियक फेलियर हो सकता है, ऑप्थैल्मिक डिस्टर्बेंस भी देखा जा सकता है कि हो सकता है पर्सन को दिखाई देना कम हो जाए, विजुअल एक्यूटी भी कम हो जाती है पर्सन की। रीनल डिस्टर्बेंस में तो हम ये बार बार पॉइंट बोल ही रहे हैं, प्रोटीन यूरिया हो गया, यूरिन में प्रोटीन, यूरिन का अमाउंट कम हो जाएगा, आरबीसी निकलने लग जाएगी, हाइपरटेंशन हो जाएगा, यूरिन की पीएच भी कम हो जाती है। अब डायग्नोस कैसे करें भाई अपन इसे, तो पहला तो फिजिकल असेसमेंट, किसी बच्चे में अगर हो रहा है तो उसको ऑब्जर्व करिए, क्या क्या देखना है आपको, चेहरे पे कोई एडिमा दिखाई दे रहा है क्या, आंखों के नीचे आपको एडिमा दिखाई दे रहा है क्या, पैरों के अंदर दिख रहा है एडिमा, ये सब देखिए, यूरिन का अमाउंट कम हो गया है, ऑलिगो यूरिया मैंने बताया था, ऑलिगो यूरिया 500 ml से कम अगर यूरिन पास हो तो ऑलिगो यूरिया, और अगर 100 ml से कम यूरिन पास हो रहा है तो एन यूरिया, तो हो सकता है पर्सन को ऑलिगो यूरिया हो सकता है एन यूरिया हो, या हो सकता है हीमेट्यूरिया, हीमेट्यूरिया हम बोल ही रहे हैं बार बार CM के अंदर बताया मैंने आपको। इसके अलावा विजुअल इम्पेयरमेंट हो रहा है रेटिनल एडिमा की वजह से अगर, तो उसको भी ऑब्जर्व करिए, बीपी को मॉनिटर करिए तो हाइपरटेंशन का पता चल जाएगा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कुछ है क्या ये भी पता करिए, यूरिन को एनालाइज करना है तो प्रोटीन का अमाउंट यूरिन के अंदर देखिए, ग्रेडिंग दीजिए 1+, 2+ वगैरह, प्लस यूरिन में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, कास्ट वगैरह कुछ मौजूद हैं तो वो इन्फ्लामेशन को इंडिकेट करेंगे, ब्लड एनालाइज करके देखेंगे तो ESR बढ़ा हुआ दिखाई देगा, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया हीमोडाइल्यूशन की वजह से हो सकता है, यूरिया क्रिएटिनिन ब्लड लेवल के अंदर बढ़ जाते हैं, सीरम पोटेशियम और सोडियम जो है ऑलिगो यूरिया के अंदर, ऑलिगो यूरिया हो रहा है तो सीरम पोटेशियम, सीरम के अंदर पोटेशियम और सोडियम का लेवल बढ़ावा दिखाई देगा, क्योंकि ऑलिगो यूरिया में यूरिन तो कम पास हो रहा है और सोडियम पोटेशियम का रिटेंशन होता है तो फिर सीरम में बढ़े हुए दिखाई देंगे, तो ये ब्लड के अंदर आप सोडियम पोटेशियम देख सकते हो और यूरिया क्रिएटिनिन लेवल भी ब्लड के अंदर आप देख सकते हैं, ये ब्लड एनालिसिस और ESR भी बढ़ावा दिखाई देगा। एक्सरे के अंदर आपको बहुत ज़्यादा वैस्कुलर मार्किंग दिखाई देगी हाइपरवोलेमिया की वजह से, थ्रॉट स्वैप को कल्चर करके देख सकते हो तो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का आपको पता चलेगा, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन टाइटर आपको बढ़ावा दिखाई देगा क्योंकि एंटीबॉडी आ गई ना वहाँ पर, इसलिए टाइटर बढ़ावा दिखाई देगा, किडनी की बायोप्सी कर सकते हो, सीरम कॉम्प्लीमेंट लेवल आपको कम मिलेगा क्योंकि वो रिएक्ट कर चुका है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ में। इसके अलावा आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हो जिसमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन
का पता लगा सकते हो, हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम है क्या, SLE है क्या, सिस्टमिक ल्यूपस राइथोमेटोसिस, ये नाम कई बार आ चुका है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया है या होने का कोई चांसेस है, तो ये सब आप पता करिए। कॉम्प्लिकेशन भाई क्रॉनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो सकता है, एक्यूट अगर हुआ हुआ है तो, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो सकता है हार्ट में, पल्मोनरी एडिमा लंग्स के अंदर हो सकता है, रिनल फेलियर हो सकती है, एनसेफेलोपैथी हो सकता है। ये मेडिकल मैनेजमेंट है, पर्सन को आराम करने के लिए कहिए, एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकल का इन्फेक्शन हो रहा है, हाइपरटेंशन हो गया तो एंटी हाइपरटेंसिव दीजिए, डाइट का ख्याल रखिए, फ्लूड रेस्ट्रिक्शन ऑफ फ्लूड क्योंकि ऑलरेडी उसके बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूड है, तो आप उसको कहिए बहुत एक्सेस में फ्लूड लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरत है उतना ही लीजिए, वेट को मॉनिटर करते रहिए, डायूरेटिक्स दीजिए, प्रोलॉन्ग्ड ऑलिगो यूरिया अगर उसका है तो उसको ठीक करने की कोशिश करिए। अब क्रॉनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस भी देख लीजिए, ये एक एडवांस और इरिवर्सिबल क्योंकि ठीक नहीं हो सकती है, इरिवर्सिबल रीनल फंक्शन का इम्पेयरमेंट है जिसमें सिम्टम दिख भी सकते हैं, नहीं भी दिख सकते, नहीं दिख सकते क्यों, क्योंकि हो सकता है सिर्फ एक्यूट वाले सिम्टम दिख रहे हो, क्रॉनिक के पता नहीं चल रहे हो, प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ की वजह भी इसके अंदर डेवलप हो सकती है, उसके रूप में दिखाई दे सकती है ये बीमारी आपको, ये सेकेंडरी SLE के रूप में दिख सकती है, ड्रग इंड्यूस नेफ्रोपैथी के रूप में, पॉलीआर्थराइटिस के रूप में दिखाई दे सकती है। ये ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के अलग अलग फॉर्म्स बताई गई है, नॉन प्रोलिफेरेटिव और प्रोलिफेरेटिव, इसका डिटेल अपन नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ नाम मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि इतना अपने सिलेबस में नहीं है पैथो के अंदर। नॉन प्रोलिफेरेटिव डिजीज़ में मिनिमम चेंज ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस आती है, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, ये तीन तो नॉन प्रोलिफेरेटिव में, प्रोलिफेरेटिव में IgA नेफ्रोपैथी, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, मेम्ब्रेनो प्रोलिफेरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस आती हैं, रैपिडली प्रोग्रेसिव जिसको अपन क्रेसेंटिक भी कहते हैं, इसके अंदर वैस्कुलिटिक डिसऑर्डर और गुड पास्चर सिंड्रोम आता है। बस ये क्यों हो जाता है, जिन लोगों में स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन बार बार होता रहता है, SLE जैसी बीमारी हो गई है, ड्रग की वजह से नेफ्रोपैथी हो गई है, बेसमेंट मेम्ब्रेन मोटी हो चुकी है, ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस हो गया है, पॉलीआर्थराइटिस हो गई है, उनमें देखने को मिलता है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि जितने भी एटियोलॉजिकल फैक्टर्स अपन ने बोले हैं, इनकी वजह से ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन मोटी हो जाती है, स्क्लेरोसिस ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस हो जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन कॉम्प्लीमेंट और फाइब्रिन जैसी चीज़ें वहाँ पर आकर के डिपॉजिट हो जाती हैं, लेट स्टेज में ग्लोमेरुलाई का स्क्लेरोसिस हो जाएगा, ट्यूबुलर के साथ में इंटरस्टिशियल और वैस्कुलर चेंजेस भी दिखाई देने लगने जाएंगे, ट्यूबुलर चेंजेस, इंटरस्टिशियल चेंजेस और वैस्कुलर चेंजेस भी आने लग जाते हैं। बस स्पेसिफिक सिम्टम्स में हाइपरटेंशन हो जाता है, आई में कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है, किडनी डिजीज़ के अंदर ऑलिगो यूरिया प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर भी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी और नेल के अंदर भी आपको चेंजेस जो है वो पर्सन के दिखाई देंगे और ये रैपिडली प्रोग्रेसिव डिजीज़ होती है, आगे लगातार बढ़ती जाएगी। CM क्या हैं जो अभी तक अपन ने बोले थे, क्या हालांकि मैंने कहा बहुत सारी कंडीशंस में तो सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस कर भी सकते हो और बहुतों में नहीं भी कर पाते हो क्योंकि दिखाई नहीं दे रहे होते कई बार सिम्टम्स, तो अपन को एक्सीडेंटल यूरिन एग्जामिनेशन के दौरान ही फिर ये डायग्नोज होएगा। प्रेजेंटिंग फीचर्स वही सेम, एडिमा, सीवियर हाइपरटेंशन, हिमेट्यूरिया, ब्लड की कमी क्योंकि हिमेट्यूरिया हो रहा है ना इसलिए RBC कम हो जाती है, एनीमिया हो जाएगा, नॉक्ट्यूरिया रात के अंदर यूरिन ज़्यादा पास हो रहा होगा, बोन में पेन होने लग जाता है, बोन की स्ट्रक्चर बिगड़ जाती है, शेप बिगड़ जाती है, फेलियर ऑफ थ्राइव हो जाता है क्योंकि पानी खटा हो रहा है शरीर में। क्या कर सकते हैं डायग्नोस में, यूरिन एनालिसिस और ब्लड एनालिसिस, ब्लड एनालिसिस वही सेम जो मैंने आपको एक्यूट में पढ़ाया था, पढ़ लीजिएगा खुद से, एक्सरे कर सकते हैं मैंने बताया था, ये सारे वही हैं, किडनी के बायोप्सी करिए, थ्रॉट स्वैब कल्चर कर लीजिए, कॉम्प्लीमेंट लेवल कम मिलेगा आपको, मैनेजमेंट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है नहीं, स्टीरॉयड्स वगैरह देना है बस, ठीक है मैनेजमेंट हमारे को पैथो में जरूरी नहीं है। इसके साथ ये डिसीज़ यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई, आपको इतनी बड़ी लिखने की जरूरत तो नहीं, आप खाली एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा, उतना सफिशिएंट है आपके लिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है।